गाइस वेलकम बैक। सो बस दिवाली क्लैश का तो आगाज हो चुका है, लेकिन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म आगे कौन सी फिल्म पीछे, इस वक्त पर बुक माय शो पर क्या कुछ चल रहा है, आईएमडीबी पे क्या कुछ चल रहा है, यूट्यूब पर कैसे व्यूज आ चुके हैं दोनों के ही, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो यहाँ पर तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि व्यू काउंट्स की लड़ाई चल रही है, व्यू काउंट्स को लेकर बैटल बहुत सॉलिड हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जब आईएमडीबी की बात करते हैं तो भाई कहानी तो कुछ और ही है। सो सबसे पहले बात करते हैं सिंघम अगेन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंघम अगेन का ट्रेलर जो है ये 7 अक्टूबर को आया था, 7th of October को, जब हमने उससे पहले हमने एक अनाउंसमेंट देखी 6 तारीख को, और पूरा का पूरा हाइप जो है सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त हो चुका था फॉर सिंघम, एंड देन वी सॉ द ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट, और उसके बाद ट्रेलर लॉन्च हुआ। अब यहां पर जिस तरीके का रिस्पॉन्स सिंघम के ट्रेलर को मिला, यानी कि कहीं कहीं पर बहुत अच्छा, कहीं कहीं पर मीडियोकर, कहीं कहीं पर मतलब मिक्स्ड टाइप का रिस्पॉन्स, वहीं भूल भुलैया की जब हम बात करते हैं तो भूल भुलैया ने मेजर क्रिटिसिज्म झेला है। भूल भुलैया के ट्रेलर को मैं आपको बताऊं, इस वक्त पर काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है फ्रॉम मेनी 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 ट्रेड एक्सपर्ट्स, बिकॉज जिस तरीके की हाइप बननी चाहिए थी, या जिस तरीके का एक्साइटमेंट लेवल, या जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम भूल भुलैया 3 ट्रेलर थी, वहां पर लोगों को ये होती हुई नहीं दिख रही है। नॉट जस्ट दैट, कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बार की जो दिवाली है वो फीकी जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही फिल्में मीडियोकर टाइप की लग रही हैं, दोनों ही फिल्मों का कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जिसको देख कर के लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो भी नैरेटिव्स चल रहे हैं ना, ये तो चलते ही रहेंगे। अभी टाइम है दोनों फिल्मों को रिलीज होने में, अभी इनके गाने रिलीज नहीं हुए हैं, अभी काफी सारा कंटेंट है जो रिलीज नहीं हुआ है, और जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी डेट, रिलीज डेट, वैसे वैसे हाइप दोनों ही फिल्मों का और बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि दिवाली पे ना अब 2 फिल्में ऐसी आ रही हैं बॉलीवुड की जो कि मच अवेटेड के ब्रैकेट में आ जाती हैं, या फिर एक ऐसे फ्रेंचाइजी से बिलोंग करती हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजीज हैं। सो यस, भूल भुलैया हैज गॉटन many kind of mixed reviews, many kind of reviews that people really did not, you know, find it that exciting, जो भूल भुलैया OG भूल भुलैया में था, या फिर चलो सेकेंड पार्ट में भी था, लेकिन यहाँ पर जो जो समा क्रिएट करने की कोशिश की गई है अनीस बाजमी ने, जो भी यू नो जिस तरीके से चुपचाप से ट्रेलर को लॉन्च करा दिया, उसी दिन पर अनाउंसमेंट आई, उसी दिन पर सब कुछ हुआ, पहले से कुछ भी शोर नहीं मचा, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सिंघम को मिल गया है। तो बेनिफिट कैसे मिला है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हम यूट्यूब के व्यू काउंट्स की बात करते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज का क्या मामला चल रहा है। तो देखो अभी भूल भुलैया के ट्रेलर को 24 घंटे तो हुए नहीं है, लेकिन अभी से अगर मैं आपको व्यू काउंट्स बता देती हूँ ऑफ भूल भुलैया ट्रेलर, दैट इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 44 मिलियन व्यूज। कितने? 44 मिलियन व्यूज टी सीरीज के चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, जबरदस्त। अभी 21 घंटे हुए हैं लेकिन व्यू काउंट्स इतने जबरदस्त हो चुके हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जब सिंघम की बात करते हैं तो सिंघम के का जो ट्रेलर है इसके व्यू काउंट्स करीब करीब जियो स्टूडियोज पे, जो आपने देखा है, आप हमने सबने ट्रेलर देखा है जियो स्टूडियोज पे, वो करीब करीब 37 मिलियन व्यूज का आ रहा है, 37 मिलियन व्यूज, 44 versus 37 मिलियन व्यूज, काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं ये आपको बता दूंगी कि सिंघम को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, सिंघम के ट्रेलर को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं भूल भुलैया की, तो यार ये तो अभी 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं करी है, व्यू काउंट्स के मामले में तो भाई बरस रहे हैं व्यूज फॉर भूल भुलैया 3। बट द स्टोरी डजंट एंड्स हियर, द स्टोरी डजंट एंड्स ऑन द व्यू काउंट्स। अभी क्या है कि शुरू में लोगों को एक्साइटमेंट बहुत था कि भाई देखे तो एक्चुअली क्या है भूल भुलैया 3 में, हॉरर जॉनर है, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, और इस साल में तो सबसे ज्यादा वही पॉपुलर है, तो क्या स्त्री के बाद स्त्री के लेवल का या उसको भी आउट परफॉर्म करने वाली है भूल भुलैया या नहीं। तो एक तरीके से उस इंट्रीग के चलते भी बहुत अच्छे खासे व्यूज आए हैं फॉर भूल भुलैया 3, एंड मैं इसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि रिपीटेड हो रहा है या मीडियोकर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमको यू नो वी वांटेड मोर 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 टू इट, बट कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाती है। सिंघम के केस में भी यही हो रहा है कि सिंघम के केस में भी बहुत से लोगों को क्रिंज लग रही है, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब यार क्या, मतलब जैसे शक्ति शेट्टी का कैरेक्टर है या दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर है उसको लेकर मीम्स ऑलरेडी बननी चालू हो चुकी है कि ये तो क्रिंज है, ये तो मिसेस लेडी सिम्बा लग रही है, लेडी सिंघम नहीं लग रही है, लेडी सिम्बा ज्यादा लग रही है। तो यू नो देर आर मिक्सड काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एवरीवेयर। बट इफ वी सी आईएमडीबी नाउ, अब मैं आपको बताती हूँ कि आईएमडीबी पे क्या चल रहा है। देखो आईएमडीबी एक ऐसी जगह जहां से हम कहते हैं, शुरू से ही बोलते हैं कि मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकती यहाँ पे, बल्कि रियलिटी चेक हो जाता है अच्छी अच्छी फिल्मों का, बड़ी बड़ी फिल्मों का भी रियलिटी चेक हो जाता है। और भाई यहाँ पर तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि अगर आप आईएमडीबी उठा करके देखते हो, वहां पर सिंघम अगेन को के नंबर को देखो जरा, सिंघम अगेन का नंबर है 58.3%,
और भूल भुलैया अगर आपको दिख रही है सेकेंड नंबर पे इज ओनली ऑन 8%। नाउ दिस इज एन एंटायर 50% का डिफरेंस, 50% का डिफरेंस है यहाँ पे, और ये तब है जब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर भी आ चुका है। अगर मैं ये बोलूं कि ये डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है, वेल लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा सा और समय हम देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ चेंज आए, क्या पता कुछ ना कुछ अप डाउन आए, नंबर्स में कुछ फेरबदल हो, लेकिन क्या बहुत भारी फेरबदल हो जाएगा, क्या ये भी 58% तक पहुंच जाएगी, आई रियली डाउट। बिकॉज एज आई सेड कि भूल भुलैया 3 से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी लोगों को, और लोगों को लग रहा था कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं अनीस बज्मी, बट टू एवरीबडीज डिसअपॉइंटमेंट अभी कह लो यहाँ पे, मतलब मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं मेरा ओपिनियन नहीं है, जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत लोगों के, ज्यादातर लोगों की रेटिंग्स काफी कम आई हैं, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसी फैक्टर को दर्शाती हैं कि जो हमने स्त्री में देख लिया, कहानी में भी हमने चेंज देखा, हमने एक नया एंगल देखा, सरकटे का आतंक, ओके दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, स्त्री तो है, एक सरकटा भी आ गया यहाँ पे, पर एक रिपीटेड थीम चल रही है ऑफ मंजुलिका मंजुलिका एंड मंजुलिका। रूह बाबा आया था सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या, व्हाट इज न्यू इन द थर्ड पार्ट, वी डोंट नो, इट कुड बी माधुरी दीक्षित, इट कुड बी तृप्ति डिमरी, बहुत से लोग बोल रहे हैं तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर भी हो सकता है जो मंजुलिका हो, लेकिन वो मंजुलिका के स्फेयर से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, उस हवेली के दरवाजे से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, जो कि रिपीटेडनेस की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके चलते इस वक्त पर काफी लोगों में डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। बट येस, ऑल सेड एंड डन, वो सब चीजें तो अपनी जगह चली रही हैं। नंबर्स मैंने आपको बताया है कि कहीं भूल भुलैया ज्यादा है तो कहीं सिंघम ज्यादा है, नंबर्स एक्चुअल क्या आएंगे, उस दिन पर क्या होगा जब ओपनिंग लगेगी, उस दिन पर क्या होने वाला है, सो फार देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी फिल्म आगे चल रही है, कौन सी फिल्म पीछे चल रही है। अगर मैं बुक माई शो के इंटरेस्ट एक बार ओपन करके देखूं कि बुक माई शो पे क्या चल रहा है, तो बुक माई शो पे 2 लाख इंटरेस्ट रेट सिंघम अगेन का हो चुका है, और अगर मैं यही सेम आंकड़ा चेक करती हूँ फॉर भूल भुलैया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 80 के आसपास होगा, और इसी के आसपास है, इट्स 1.97 लाख, तो मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और आई थिंक ये वाला डिफरेंस जो है ये एक्चुअली मैटर कर, मतलब ये नंबर जो है ये एक्चुअली मैटर करता है, क्योंकि बुक माई शो एक्चुअली टेल्स अस कि लोग कितने एक्साइटेड हैं किसी फिल्म के लिए, टिकट्स बुक करने का इंतजार कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को लेकर के एक माहौल जो है वो काफ़ी गर्माया हुआ है। सो जो भी होगा देखो देखा ही जाएगा, कौन सी फिल्म का कंटेंट कैसा होने वाला है, गाने कैसे होने वाले हैं, कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं आपको बता दूं ये तो करेंगी ही करेंगी, ये तो होगा ही, लेकिन इन दोनों फिल्मों का सोलो पोटेंशियल जो है उसको बहुत भारी धक्का लगने वाला है, क्योंकि अगर ये सोलो रिलीजेस में आती तब 100% 500 करोड़ तो गारंटीड था दोनों का। अब कितना होने वाला है, अब क्या होने वाला है, वील हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या करेंगे, सॉन्ग्स कैसा हाइप क्रिएट करते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स बहुत बहुत मेजर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी फिल्म के हाइप को क्रिएट करने में, लोगों के एक तरीके से एक्साइटमेंट को बढ़ाने में, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। बट मुझे ऐसा लगता है अभी तक फिलहाल जो बाजी आगे चल रही है, कभी वो भूल भुलैया लगती है और कभी वो सिंघम लगती है। मैं भी मतलब किसी के पास भी एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है कि ये फिल्म आगे है ये फिल्म पीछे है, दोनों को ही लेकर एक्साइटमेंट लोगों में काफी है, और दोनों ही खेमों के फैंस जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अब कुछ आने दो फिर हम बताएंगे, अब कुछ आने दो फिर हम बताएंगे। सो ये एक तरीके का वन अप का गेम जो है वो चलता ही रहेगा। एक्साइटमेंट तो है, देखो हवा में एक्साइटमेंट तो है, दिवाली का मौका है, 2 बड़ी बड़ी रिलीजेस सामने आ रही हैं, चाहे लुक वाइज कैसी भी हो, चाहे जो भी निकले, ऐसा लगता है कि आगे चलकर दोनों ही फिल्मों का बिजनेस काफी अच्छा रहने वाला है, काफी अच्छा रहेगा। सो लेट्स होप फॉर दैट। लेकिन आपको इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।